सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अलंकार के पिछले भाग में आपने अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम आप सबको रूपक और उत्प्रेक्षालंकार के बारे में बताएंगे। रूपक अलंकार की परिभाषा। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे चरण कमल वंदो हरिराई। प्यारे बच्चों, यहाँ ईश्वर की चरण को कमल के समान न बताकर कमल ही बता दिया गया है। अतः इस वाक्य में उपमेय चरण है एवं उपमान कमल है, इन दोनों में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण। नंबर एक, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। नंबर दो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नंबर तीन, चरण कमल पर बल बल जाऊँ। प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों में उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई गई है, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले वाक्य में चंद्र को खिलौना बताया जा रहा है और दूसरे वाक्य में भगवान राम को रतन धन बताया जा रहा है और तीसरे वाक्य में चरण को कमल बताया जा रहा है। अतः ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अब उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार में मनु, मानहु, मानो, जनु, जानहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर प्रातःकालीन धूप इस शोभित नीलमणि पर्वत के स्वरूप की संभावना की गई है और मनहुवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार के अन्य उदाहरण। नंबर एक, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। नंबर दो, ओस कर सुमनों पर मानो मोती की लड़ियाँ। नंबर तीन, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों में उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है और ज्यों, मानो आदिवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये उत्प्रेक्षालंकार के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, मानववाचक शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है? आपके ऑप्शंस हैं, क उपमा अलंकार, ख उत्प्रेक्षालंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ रूपक अलंकार। आपका सही उत्तर है उत्प्रेक्षालंकार। अब आपका दूसरा प्रश्न है, किस अलंकार में उपमेय उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, क अनुप्रास अलंकार, ख उत्प्रेक्षालंकार, ग रूपक अलंकार, घ इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है रूपक अलंकार। आपका तीसरा प्रश्न है, जब असंभव को संभव होता दर्शाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शंस हैं क उत्प्रेक्षा अलंकार, ख श्लेष अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपका अगला प्रश्न है, अतिकट वचन कहत कह के मानहु लोन जरे पर देहो, इस पंक्ति में अलंकार है। आपके ऑप्शंस हैं क उपमा अलंकार, ख उत्प्रेक्षा अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है रूपक अलंकार। अब आपका अगला प्रश्न है, मैया मैं तू चंद्र खिलौना लई हूँ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं क अनुप्रास अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उपमा अलंकार, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है रूपक अलंकार। प्रश्न अभ्यास, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर दो, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर तीन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उसका नाम लिखिए। क कलिकासी किलक कलेव देती काल को, ख कहती हुई ये उत्तरा ने नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंथ जने, गा चरण कमल पर बल बल जाऊं। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।